हाय एवरीवन जय हिंद लास्ट के वीडियोस में हमने पर्सनल फैक्टर्स को समझ लिया था आज हम कवर करेंगे इन्वामेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स तो शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर से देखो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो इन्वायमेंट है जिसमें इंडिविजुअल रहता है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेगा ही है ना जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें क्या आता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं कैसी हैं इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है देखो अगर इम्प्लॉयी को बाहर ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो वहां चला जाएगा और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम लगती हैं बाहर तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना पसंद करता है ठीक है उसी तरह वेज रेट है देखो वेज रेट भी इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है अगर इंडिविजुअल अपनी वेजेस से खुश है सेटिस्फाइड है तो वो अपनी उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना पसंद करेगा लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा ठीक है तो वेज रेट भी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को नेक्स्ट इज जनरल इकोनॉमिक इन्वामेंट अब देखो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है ठीक है अप्स एंड डाउन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है वहां उसे सैलरी भी सही टाइम पे नहीं मिलेगी फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं मिलेंगी प्रमोशन भी पता नहीं हो या ना हो कहीं डिमोशन ही ना कर दें तो फिर एम्प्लॉय क्या करेगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा जो कम अफेक्ट हो इकोनॉमिक साइकिल से ठीक है तो जनरल इकोनॉमिक इन्वायमेंट भी इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अब देखो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है तो काम करने के लिए लोग भी अब उतने प्रोफेशनल ही चाहिए है ना अब जिन्हें इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता उन्हें ऑर्गेनाइजेशन जॉब से भी निकाल सकती है तो ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को ठीक है जी नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अब देखो मैन इज़ अ सोशल एनिमल है ना उसे समाज में रहना है अब इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में रहते हैं वो जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है जिस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को ठीक है नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स अब देखो अगर कोई कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड बहुत सी चीज़ें स्टेबल होंगी उस कंट्री की जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा उसी तरह लीगल फैक्टर्स हैं अब इंडिविजुअल को एंड ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना या जितने भी कानून हैं उसके अकॉर्डिंग ही उस दायरे में रह के ही काम करना है तो लीगल सिस्टम भी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को अब हम बहुत ही क्विकली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को देखो जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को जैसे फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ अब देखो इंडिविजुअल को प्रॉपर वर्किंग कंडीशनस मिल रही हैं या नहीं प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं प्रॉपर लाइटनिंग वेंटिलेशन है या नहीं नही, तो अगर सब कुछ बढ़िया है तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी है ना लेकिन अगर फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पुअर हैं तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन अब देखो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कैसा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को उसी तरह लीडरशिप स्टाइल कैसा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है डेमोक्रेटिक लीडरशिप है किस तरह की लीडरशिप फॉलो की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में ये भी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को लास्ट इज रिवॉर्ड सिस्टम देखो एम्प्लॉय का बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड सिस्टम से इंडिविजुअल ने अगर बहुत मेहनत की है डेडिकेशन से काम किया है तो उसके बदले अगर उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता तो बहुत नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा इंडिविजुअल का और अगर प्रॉपर रिवॉर्ड मिलता है उसे तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक ठीक है आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना थैंक यू सो मच